मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने काना खुशी करने वालों की तरफ देखा, जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हों, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा न किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी, धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे, अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब न करे, झपट कर फोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का पता नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उनका नाम हार्वे या हेरोल्ड भी हो सकता था। मिसेज डर्सली को चिंता में डालने से क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेज डर्सली की भी क्या गलती थी अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती। परंतु फिर भी चोगा पहने लोग उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए।